हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की कलरफुल हैवी और ब्यूटीफुल ड्रेस कान्हा जी की बनाएंगे। ये ड्रेस 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाएंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 रंग का कपड़ा यूज़ किया है, येलो, ब्लू और रेड। और इसमें मैंने डेकोरेट करने के लिए पर्ल और स्टोन का यूज़ किया है। इसी तरह हम अपनी चोली को भी डेकोरेट करते हैं। इसमें मैंने अपने कान्हा जी के लिए ओपन चोली बनाई है। अगर आप इसमें अटैच करना चाहें तो इसे हम अटैच भी कर सकते हैं। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी। चलो हम अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम टैट्रोन का पीस लेते हैं। ये टैट्रोन का पीस मैंने 7 इंच का काटा है, 7 इंच का पीस काटा है। सेंटर में से मैं इसे 1.5 या 1.5 इंच का डायमीटर काटती हूँ, यहाँ पे मैं अपनी चोली को अटैच करती हूँ। ये मैंने पेस्टिंग वाली टैट्रोन ली है। इस टैट्रोन के ऊपर हम येलो कलर का साटन का कपड़ा पेस्ट करते हैं। ये येलो कलर का मैं साटन का कपड़ा पेस्ट करती हूँ, तो मैं इसके ऊपर ये प्रेस से पेस्ट कर लाती हूँ। पीछे की तरफ सिंपल कपड़ा पेस्ट कर लाती हूँ। अब मैंने अपनी टैट्रोन के ऊपर येलो कलर का साटन का कपड़ा प्रेस से पेस्ट कर लिया है। पीछे की तरफ मैंने इसमें सिंपल कपड़ा पेस्ट कर लिया है और इसे मैंने हाफ करके यहाँ से कट कर लिया है। सेंटर का गोला भी मैंने काट लिया है। यहाँ पर मैंने साइडों के अंदर इस तरह का ये रिबन लिया है। आप टिश्यू रिबन या कोई भी और रिबन लेके यहाँ पे इसे सिलाई मशीन से मैंने इसे सिलाई लगा ली और इसे चारों तरफ मैंने साटन के कपड़े के चारों तरफ धागे निकलते रहते हैं, तो हम इसे इस तरह चारों तरफ से हम इसे इस तरह पेस्ट कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं, जिससे हमारे धागे नहीं निकलते। इस तरह मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी हमारा घेरा तो तैयार हो गया है। अब आगे हम बनाने के लिए सबसे पहले हम कागज़ के ऊपर गोल घेरा लेते हैं। तो मैंने कागज़ के ऊपर एक गोल घेरा लिया। इस गोल घेरे को मैं पहले हाफ़ करती हूँ। हाफ़ करने के बाद इसके मेरे को 6 पीस करने हैं, तो हाफ़ करने के बाद इसको वापस एक बार हाफ़ करती हूँ। और फिर इसको हाफ़ करने के बाद इसके हाफ़ के हाफ में एक पीस इधर घुमाती हूँ, एक इस तरह हमारे 6 पीस हो जाएंगे। तो हमारी इसमें 6 पत्तियाँ बनती हैं, तो 6 पत्तियाँ बनती हैं। अब हमारे ये 6 पीस हो जाते हैं। 6 पीस होने के बाद वापस से हम इसे हाफ़ फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह हाफ फोल्ड करने के बाद ऊपर से हम लगभग दो इंच के ऊपर पेन से निशान लगा लेते हैं और एक पत्ती की शेप इधर बना लेते हैं। और इसी तरह हम ये दूसरी पत्ती की शेप भी बना लेते हैं। दोनों पत्ती की हम शेप बना लेते हैं। दोनों पत्ती की शेप बनाने के बाद बीच का जो हिस्सा होता है हमारा खाली सा, उस हिस्से में इस तरह थोड़ा डीप करते हुए आधा हाफ सर्कल सा बना लेते हैं। हाफ जो अंदर की तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है, पूरा नहीं होता। अब इसे हम कैंची से ऊपर वाले हिस्से को हम कैंची से काटते हैं, नीचे की पत्तियों को हम बाद में काटते हैं। तो पहले ऊपर के हिस्से को मैं कैंची से काट लेती हूँ। इससे ऊपर के हिस्से को मैं कैंची से काट लेती हूँ। ऊपर के हिस्से को कैंची से काटने के बाद हमारा कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनती है। इसे हम सेंटर से भी काट लेते हैं जो हमने निशान लगा रखा है। ये हमारा लगभग 1 या 1.25 इंच का हम निशान लगा लेते हैं जो हमारा कट जाता है। यहाँ पे मैं इसको 1 इंच से थोड़ा कम लगाती हूँ, तो जिससे हमारे 1.25 या 1.5 इंच का कट जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे गोला काट लेती हूँ सेंटर का। इस तरह हमारी ये डिज़ाइन बन जाती है। इस डिज़ाइन को हम इस तरह का ब्लू कलर का साटन का कपड़ा लेते हैं, उसके ऊपर इसे काट लेते हैं। और इस तरह की ये पतली वाली पेस्टिंग की टैट्रोन आती है, इस टैट्रोन के ऊपर इस डिज़ाइन को ट्रेस कर लेते हैं और फिर इस ब्लू कपड़े के ऊपर हम पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं इसे पेस्ट कर लाती हूँ। ये मैंने ब्लू कलर का कपड़ा पेस्ट कर लिया। अब हमारे ये दूसरा पीस बन गया। अब वापस से हम अपने पेपर वाले ट्रेस को लेते हैं। इसको मैंने वापस से फोल्ड कर लिया।
अब जो हमने पत्तियों की डिजाइन बनाई थी, अब इन दोनों पत्तियों की डिजाइनों को हम काट लेते हैं। काटने के बाद हमारी ये ड्रेस पत्तियों की शेप बन जाती है, छह पत्तियां बन जाती हैं। अब इस ड्रेस को हम रेड कलर का साटन का कपड़ा लेते हैं, इस कपड़े के ऊपर वही हम उस तरह ही अपनी पतली वाली टाइट रोल लेते हैं और उसी के ऊपर पेस्ट कर लाते हैं और इसे हम कटिंग करके ले आते हैं। इस तरह हमने ये अपने रेड कलर का कपड़ा भी पतली वाली टैट्रोन के ऊपर पेस्ट करके पूरी कटिंग कर ली। ये हमारा तीसरा पीस हो गया। अब वापस से हम अपने कागज़ वाली कटिंग लेते हैं, वापस से उसे फोल्ड करते हैं। अब इसमें से हम एक पत्ती को कट कर लेते हैं, अपनी एक पत्ती को इसमें से कट कर लेते हैं। इस तरह एक पत्ती को कट करने के बाद इसमें हम इसको इस तरह फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद हम इसे थोड़ी छोटी पत्ती ट्रेस करते हैं, तो मैं इसे छोटी पत्ती ट्रेस कर लेते हैं। और इसे मैं कट कर लेती हूँ। इस तरह हमारी ये पत्ती, इससे थोड़ी छोटी पत्ती बन जाती है। इस पत्ती को हम येलो कलर के साटन के कपड़े पे और अपनी पेस्टिंग वाली टैटून से पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह की हम ये छह पत्तियाँ बनाएंगे। मैं पेस्ट कर लाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये छह पत्तियाँ पेस्ट कर ली। अब वापस से हम अपने कागज़ की ट्रेस खोल लेते हैं। अब हम इसे छोटी साइज़ की पत्ती ड्रॉ करके उसे भी काट लेते हैं। इसे छोटी साइज़ की पत्ती ड्रॉ कर लेती हूँ और इसे काट के मैं ये हमारी छोटी पत्ती बन गई, जो येलो कलर वाली से छोटी बनती है। इससे वापस से हम रेड कलर के साटन के कपड़े से और अपने टैट्रोन से पेस्ट कर लेते हैं। ये भी हम छह पत्तियां बनाते हैं, तो मैं इसे भी पेस्ट कर लाती हूँ। ये मैंने अपनी छह पत्तियां भी ये रेड कलर वाली पेस्ट कर ली हैं। अब सभी चीज़ों को हम अपने जो मेन हमारा घेरा है उसके ऊपर हम फेविकोल से पेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना येलो वाला, ये सॉरी ब्लू वाला कपड़ा होता है उसे हम पेस्ट करते हैं। उसे हम इस तरह से पेस्ट करते हैं। इसका जो हमारा ये हाफ सर्कल बना है, इस सर्कल के ऊपर हम इसे हाफ करके इस तरह निशान लगा लेते हैं। अब ये हाफ सर्कल हमारा जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है वहाँ से हम इसे इस तरह चिपकाएंगे। इस तरह लेते हुए मैं इसे फेविकोल से पेस्ट कर देती हूँ पूरे को। इस तरह हमारे ब्लू कपड़ा पेस्ट हो जाता है। अब इसके ऊपर हम ये इस तरह इसके कोनों के ऊपर इन पत्तियों को लगाते हुए रेड कलर के कपड़े को पेस्ट कर लेते हैं। फिर रेड के ऊपर हम एक एक अपनी ब्लू पत्ती को कर सॉरी येलो पत्ती को कर लेते हैं और इसके ऊपर मैं वापस से एक रेड पत्ती को कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमने ब्लू वाला कपड़ा लगाया, ब्लू के ऊपर हमारी ये पत्तियों की शेप की रेड कपड़ा लगाते हैं। फिर रेड के ऊपर सभी पत्तियों के ऊपर हम एक एक येलो पत्ती लगाते हैं और एक एक येलो पत्ती के ऊपर हम वापस से अपनी एक एक रेड पत्ती लगाते हैं। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। हमारे जो कोने कोने के ऊपर कोना लगा के चिपकाते हैं। इस तरह हमारे रेड वाले सब जुड़ गया। अब रेड वाले के ऊपर हमें एक के ऊपर ये अपनी येलो पत्ती लगाते हैं। इस तरह हमारी ये येलो लग गई। अब येलो के ऊपर वापस से हम अपनी रेड पत्ती रेड लग गई। इस तरह हम अब सभी पूरी पत्तियों को लगा लेते हैं। इस तरह हमने अपनी सभी पत्तियों को चिपका लिया और अपने बेस को तैयार कर लिया। अब हम इसमें तीन तरह के स्टोन काम में लेते हैं। एक मैं ये ब्लू कलर के स्टोन काम में लेती हूँ, जो मैं टीयर शेप के लेती हूँ।
रेड कलर के और येलो कलर के, ये राउंड स्टोन लेती हूँ, इनका ये छोटा साइज लेती हूँ। तो जो हमारी रेड कलर की पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर तो हम येलो वाले स्टोन लगाते हैं, जो येलो वाली पत्ती है उसके ऊपर हम रेड स्टोन लगाते हैं, और ब्लू वाली पत्ती के ऊपर अपने ब्लू कलर के स्टोन लगाते हैं। तो मैं तीनों कलर के स्टोन इस पर लगाती हूँ। इस तरह लगाते हुए हम अपने सभी जगह स्टोन लगा लाते हैं। सभी जगह हमने स्टोन लगा लिए। स्टोन लगाने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरह की बन जाती है। जहाँ पे हमारे ब्लू वाली डिज़ाइन है वहाँ पे सभी जगह हम इस तरह के हाफ कट राउंड शेप के पर लगाते हैं, और उनके ऊपर एक टीयर शेप के हाफ पर लगाऊंगी, और ऊपर की तरफ यहाँ पे हाफ पर्ल और ये टीयर शेप के रेड स्टोन से फ्लावर बनाऊँ। तो मैं सभी चीज़ें बनाती हूँ। इस तरह तो हम ब्लू कलर के कोनों पे लगाते हैं, और जो हमारी रेड वाली पत्ती है इसके यहाँ पे भी हम एक एक छोटे वाले पर लगा देते हैं। यहाँ पे हम एक एक फूल बनाते हैं। इस तरह हम यहाँ पे फूल बना लेते हैं, यहाँ पे दो पर लगा लेते हैं, और यहाँ पे पर लगा के इस पोशाक को हम पूरा कर लेते हैं। इस तरह हम सभी जगह अपने स्टोन और पर्स लगा के अपने घेरे को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मेरा घेरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपनी चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने ये सवा इंच चौड़ी और लंबाई में मैंने इसे 9 इंच लंबी पट्टी ली है, जिसके चारों तरफ मैंने रिबन लगा के सिलाई कर ली है। अब इसके हम दो पीस कर लेते हैं। अपनी चोली को आगे से हम 1 इंच के ऊपर जोड़ लेते हैं। सिलाई मशीन से मैं इसे जोड़ लेती हूँ, या फिर ग्लू गन से इसे यहाँ से चिपका लेती हूँ। इधर हम बाजू नहीं बनाते हैं, क्योंकि आज हम ओपन चोली बनाएंगे। नीचे की तरफ हम इसमें रिबन लगा लेते हैं, तो मैं इसे ग्लू गन से
पेस्ट कर लेती हूँ और नीचे की तरफ रिबन भी लगा लेती हूँ। इस तरह हमारे चोले के दोनों से आगे से जुड़ जाते हैं, पीछे की तरफ हम इसमें रिबन लगा लेते हैं। इस तरह हमारी ओपन चोली बन जाती है। अब इसे भी हम डेकोरेट कर लेते हैं। जैसे हम अपने घेरे में हमने ये फ्लावर बनाए थे, वैसे ही हम इसके दोनों तरफ फ्लावर बनाते हैं। तो हम इसे इस तरह डेकोरेट करते हैं। इससे पहले हम एक रो लगाते हैं, फिर इधर हम तीन तीन स्टोन रोल लगा के एक एक फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह तीन तीन स्टोन लगा के हम ये फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हम अपनी ये चोली को भी कंप्लीट डेकोरेट कर लेते हैं। इस तरह हमने अपनी चोली को डेकोरेट कर लिया। मैंने चोली पे ब्लू कलर के स्टोन से फ्लावर बनाए हैं। घेरे में हमने रेड कलर से बनाए थे, चोली में ब्लू कलर के स्टोन से बनाते हैं। सेंटर में मैं एक एक पर्ल रोल लगाती हूँ। इस तरह हमारी चोली कंप्लीट हो जाती है। इस चोली को इस तरह फोल्ड करके हम अपने कान्हा जी को पहना लेते हैं। इस तरह हमारी चोली भी कम्प्लीट हो गई, हमारा घेरा भी कम्प्लीट हो गया। बनने के बाद पूरी ड्रेस हमारी इस तरह की बनती है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching my video.